हेलो फ्रेंड्स और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वन ब्लॉक की सीरीज, जैसा कि मैंने बोला था। ओह माय गॉड, वाओ। और मैं ये भी बताता हूँ कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड कैसे है, ठीक है। इसमें एक्चुअली हमें एक चेस दिया गया है और उसके नीचे एक बेड रॉक है, और अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने रेंडर डिस्टेंस कम किया है, लेकिन ये दुनिया से अलग है भाई ये वन ब्लॉक, ठीक है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। और मेरा स्किन कैसे लग रहा है भाई दबी, बताओ मुझे। हाँ, और ये वन ब्लॉक का मोड है ना, ये मतलब तबाही दायर है, और इसमें मुझे डर्ट की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। पहले बोल रहा हूँ, मुझे डर्ट की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। और इस चेस्ट में मैंने अब तक देखा नहीं है क्या है, और इसके नीचे बेड रॉक, मतलब मुझे चेस्ट से नहीं बेड रॉक से बिल्ड करना होगा ऑब्वियसली। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लॉक मैन गो खेलूँ, एग वॉर्स या बेड वॉर्स, मुझे पता ना यार, क्योंकि वो मल्टीप्लेयर है तो मुझे खेलना चाहता हूँ मैं वो। तो पहले हम देखते हैं इस चेस्ट के अंदर क्या है, और मैं दिखाता हूँ कि आउट ऑफ द वर्ल्ड कैसे, ठीक है। ये आप बिलीव नहीं करोगे, इतना खतरनाक वन ब्लॉक है ये, ठीक है। ओके, तो अब इस चेस्ट के अंदर देखने से पहले मैं बता दूंगा कि अगर आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाओ यार, जल्दी ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम का भी आ जाओ, फॉलो करो फटाफट, क्योंकि मैं वहाँ भी रिप्लाईज देते रहता हूँ, वहाँ पर भी मैं एक्टिव रहता हूँ ज़्यादातर। तो मैंने अभी तक देखा नहीं है चेस्ट के अंदर क्या है, चलो लेट्स सी दिस। लेकिन पहले वहाँ पर देखो आप ध्यान से, थोड़ा जूम करता हूँ मैं। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या आपको? अबे मैंने रेंडर डिस्टेंस ही नहीं बढ़ाया, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं अभी पहले इस चेस्ट के अंदर देखते हैं क्या है, लेट्स सी। तो इसके अंदर है 64 मतलब डर्ट के ब्लॉक्स दिए गए हैं, उसके साथ बोन, 10 बोन्स है मेरे पास, और एक पानी की बकेट, 3 आयरन इंगेट, 3 ये, और बहुत सारी सामान है, तो मैं सब ले रहा हूँ, ठीक है। नहीं, मैं सब नहीं ले रहा, वेट अ सेकेंड। मैं क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम चेस्ट पे क्राउच करते हैं ना तो भी हम नीचे गिर जाते हैं, यस ये मुझे बिल्कुल सही तरीके से पता है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है भाई। और मुझे इसमें डर्ट की कमी नहीं होने वाली, यस, और मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगा। ओह नो, मुझे लगता है हम गिर जाएंगे। बाबा लग जा प्लीज़, लग जा। ओके, अब कोई बात वही नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, तो मैं भी आपको रेंडर डिस्टेंस बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, तो आप सब रेडी है देखने के लिए, लुक एट दिस। मतलब जब मैंने रेंडर डिस्टेंस बढ़ाया ना, आप सोच भी नहीं सकते मुझे कैसा फील हुआ। मतलब पानी है यहाँ पे, लावा यहाँ पे, मुझे सब कुछ दिख रहा है, लावा वगैरह, डायमंड्स भी मिल सकते हैं मुझे, आई डोंट नो। डर्ट की कमी तो बिल्कुल नहीं होने वाली इस मोड में, ठीक है। वहाँ पे देख रहे हो तो वहाँ पे शायद मुझे विलेज भी मिल सकता है, इसलिए मुझे वहाँ तक बिल्ड भी करना होगा। और वुड की भी कमी नहीं होने वाली बाबा मुझको। वहाँ पे मुझे स्वैम्प दिख रहा है जहाँ पे हमें स्लाइम मिल सकते हैं, यस। यहाँ पे मुझे ओशन दिख रहा है बड़ा वाला, बहुत ही बड़ा यार, व्हाट द हेल। रात भी होने लगी यार, मुझे ये बिल्ड करना है, इसलिए मैं आराम से डर्ट का यूज़ करूँगा, उतनी दिक्कत नहीं है मुझे। मैं बिंदास यूज़ करूँगा डर्ट, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत डर्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे खत्म होगी तो मैं कॉबलस्टोन जनरेटर बना के वहाँ तक जाऊँगा, वहाँ से दुनिया भर के डर्ट लेके आ जाऊँगा मैं, है कि नहीं। तो पहले इससे ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना भाई, मुझे एक ट्री के लिए स्पेस बनाना है, ताकि मैं यहाँ पे आयरन की मुझे पिकैक्स बनानी है, आई थिंक, यस। इसलिए उन्होंने मुझे 3 आयरन इंगेट्स दिए हैं, यस। और ये माइनक्राफ्ट सीरीज की डेट कंफर्म हो गई है। अब मुझे बताओ आपको वेडनेसडे को चाहिए या थर्सडे को, ठीक है, क्योंकि ये दो दिन है जब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी माइनक्राफ्ट की सीरीज। आप मुझे बताओ कि वेडनेसडे को चाहिए आपको माइनक्राफ्ट की सीरीज या फिर थर्सडे को, ठीक है। और मैं ब्लॉकमैन गो खेलूँ, बेड वॉर्स, या आप मुझे बताओ कमेंट्स में, ठीक है। ओके, तो रात हो गई, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी कोई स्पॉन होगा, हो सकता है भाई। एक मिनट, पहले डर्ट तोड़ो, ये डर्ट तोड़ो यार, मुझे टॉर्च बनानी है। ओ वाव यार, ये सीन देख रहे हो तो वहाँ पे लाइट दिख रही है मुझे लावा की वजह से, तो यहाँ पे मुझे ये चाहिए। ओह आई थिंक इन्होंने मुझे क्यों दिया पता है आपको, ये बोन मिल, ताकि मैं यहाँ से बोन मिल बना सकूँ, एक ट्री। और अरे यार ये अभी नहीं उगेगी, तोड़ो इसे, इस ट्री को यहाँ पे लगाना पड़ेगा मुझे। उग जा प्लीज़। ओके, फाइनली उग गई ये, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इन्होंने मुझे बोन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड़ तो है नहीं, इसलिए इन्होंने मुझे ये दे दिया कि ले भाई जी, ले अपनी ज़िंदगी, बोन मिल दे रहा हूँ आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बोन मिल डाल, पेड़ उगेंगे, और उसके बाद तू पेड़ से वुड चाहिए तो तोड़ ले, वरना मत तोड़, वो तेरे ऊपर है कि नहीं। तो मुझे यहाँ पे डर्ट की कमी नहीं होने वाली, जैसे कि मैंने बोला। अगर आपको ये मोड चाहिए तो मुझे बताना। और आप में से बहुत लोगों ने बोला कि स्काई ब्लॉक की मोड भी चाहिए भाई, हमें कॉमेंट्स भी आए थे बहुत सारे मुझे। तो देखता हूँ मैं, अगर हो सके तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे ले सकते हो इस मोड को, ठीक है। क्या है, मुझे डायमंड्स तो मिलने ही चाहिए भाई, क्योंकि मैंने आज तक डायमंड्स नहीं देखे इसमें, है कि नहीं। आपने देखा होगा तो कमेंट करो भाई, ठीक है। अगर आपने देखा होगा डायमंड्स मिनी क्राफ्ट में तो बस बोल दो, मैं खुश हो जाऊंगा।
क्योंकि मैंने आज तक डायमंड्स तो देखे नहीं है, मतलब डायमंड्स मतलब डायमंड के ओर, ठीक है। एक साइड में रेंडर डिस्टेंस कम करता हूँ, क्योंकि आपको पता है रेंडर, अगर आपने बहुत ज़्यादा रेंडर कर लिया ना तो आपका वर्ल्ड लैग करता है। यस ओके, तो मैंने रेंडर डिस्टेंस कम कर लिया, पर उतना नहीं किया, थोड़ा बहुत ये मुझे दिखेगा, ठीक है, ताकि मुझे अलग सा फील ना हो। तो मैं इसे पहले टॉर्चेस बनाऊँ भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए ना, तो ले ले भाई वुड ले ले, तबाही मचाएगी। और शायद मुझे एक प्लैंक से 4-8 स्टिक्स, अभी मैं टॉर्चेस भी तो बना सकता हूँ ना, ये ले 4 बन गए, एक यहाँ पे लग जा तू, है कि नहीं। यस, और मुझे पता है इन्होंने बोन मिल मुझे क्यों दिया, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे फार्मिंग कर सकूँ। यस, मैं बोन मिल से बोन बना के यहाँ पे ग्रास उगाऊंगा, वहाँ से मुझे सीड्स मिलेगी और बस तबाही। तो मुझे 16 कॉबल स्टोन्स भी दिए हैं इन्होंने, मुझे पता नहीं क्यों दिए हैं, लेकिन आई थिंक कॉबल स्टोन जनरेटर के लिए ही दिए हैं, तो क्यों ना हम इसे यूज़ कर लें, है कि नहीं। बिकॉज़ हम 4 वाले बना देंगे तो ऑब्सीडियन बन जाएगा ना, तो यहीं पे खत्म खत्म भाई खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा लावा, यहाँ पे मिलेगी मुझे कॉबल स्टोन, यहाँ पे पानी, नहीं, पानी यहाँ से आएगा, नो, मुझे पहले इसे कवर, कन्फ्यूज हो रहा हूँ, अरे यार क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पिकेक्स ऐसे बनाऊँ, मैं बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ये नहीं है। क्राफ्टिंग टेबल बना भाई, क्राफ्टिंग टेबल, एक प्लैंक से एक क्राफ्टिंग टेबल भाई, तू यहाँ पे लग जा। अब मैं यहाँ से एक बनाऊँगा पिकेक्स, है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी नहीं वेस्ट करने वाला अपना वो जो दिया उन्होंने आयरन ओर, उससे मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ यार। क्या ये यही बनाना इंपॉर्टेंट है क्या मेरे लिए, हैं बताओ मुझको। तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक डाल दूँगा ऐसे, यहाँ पे होगा लावा, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पानी, तो यहाँ पे बन जाएंगे वो, एम आई राइट? नो यार मुझे नहीं लगता, रुक जाओ पहले टेस्टिंग करते हैं हम, TESTING, इस कवर करो, 3 है मेरे पास सिर्फ यहाँ पे, ताकि पानी ना चला जाए वहाँ पे, जंप सेफली सेफली। तो मुझे यहाँ पे दिए इन्होंने ये, तो मैं वाटर बकेट ही यूज़ करूँगा एज यूजुअल, जैसे कि हम यूज़ करते हैं वाटर बकेट, मुझे यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा। ओ यस, तो ये पानी आया यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे कॉबल स्टोन मिलने चाहिए, वो यार बिल्कुल करेक्ट है, ओ यस ये करेक्ट है, मुझे नहीं लगता ये करेक्ट है। यस यार मुझे कॉबल स्टोन जनरेटर बनाना नहीं आ रहा, व्हाट द हेल, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे बहुत सारे कॉबल स्टोन्स चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। एक प्लैंक, अब मुझे प्लैंक कहाँ से मिलेगी, मुझे ये पेड़ तोड़ना पड़ेगा। यस, लेकिन वो जल जाएगा यार, आई थिंक मुझे लगता है वो जल जाएगा। ओए वेट, ये क्यों लगाया है मैंने, ओके तो यहाँ पे आ जाएगी अब पानी, अब यहाँ पे लावा लाना है मुझे सेफली आराम से। यार मुझे कभी इतना मुश्किल नहीं लगा इसे बनाते वक्त, ठीक है। प्लीज़ वर्क कर देना, ओके, जैसा कि मैंने सोचा था, फाइनली बस थोड़ी सी अदला बदली हो गई यहाँ पे, बट नो प्रॉब्लम, बन तो गई किसी तरह से हमारा कॉबल स्टोन जनरेटर, है कि नहीं। ओ यस यार, मैं डर गया एक टाइम के लिए कि भाई ये कॉबल स्टोन नहीं ऑब्सीडियन बन गया है, यहाँ पे इसे कवर कर दो, ओके सो वी आर सेफ। अब मुझे माइनिंग करने दो फटाफट, मैं माइनिंग करके मिलता हूँ आपसे, ठीक है। गवार ने सच में ले लिया, वाओ कैसा बुद्धू है यार ये, मुझे नीचे वाली डर दे दे, मुझे बहुत ज़रूरत है इसकी। अच्छा हाँ, ये प्लैंक जल रहा था ना, ओ यस, ये कैसे भूल गया मैं कि ये प्लैंक जल रहा था, आर यू सीरियस, मुझे ये लगाने दे गवार, ठीक है, अब नहीं जलेगा, अब जल के दिखा बच्चे, दिखा मुझे जल के, सॉरी भाई तू मुझे गिरा देता, अभी लिटरली बोल रहा हूँ मैं। मुझे नीचे प्लैंक लगाना पड़ेगा ताकि मैं इसे माइनिंग कर सकूँ ना, वरना मैं डायरेक्ट वैसे इन्फिनिट माइनिंग नहीं कर पाऊँगा यार। तो मुझे वहाँ पे जाना है फटाफट, लेकिन आज तो नहीं जा सकते हैं कि नहीं। और मुझे बताओ कि मैं कितनी मिनट की वीडियो पब्लिश करूँ, 15 मिनट्स प्लस, या फिर जो मैं एवरेजली करता हूँ 20 मिनट्स की, है कि नहीं। तो या फिर 10 मिनट्स प्लस या 15 मिनट्स प्लस, ठीक है मुझे बताना आप। और आपको ये मूड चाहिए तो वो भी बता देना, ओके। तो इसे फटाफट माइनिंग करो, मुझसे माइनिंग नहीं हो रही यार, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास आइस है, मतलब मैं इन्फिनिट वाटर सोर्स बना सकता हूँ, ओ यस। इन्फिनिट वाटर सोर्स के लिए क्या लगता है, 1 2 3, यहाँ पे भी इसी
तरह से क्या है भाई, तू तेरा नाम क्या है? क्राफ्टिंग टेबल। ओ क्राफ्टिंग टेबल, भाई तू हट जाएगा यहाँ से, मुझे यहाँ पे इन्फिनाइट वाटर सोर्स बनाना है। थैंक यू, तो बहुत ही अच्छा बच्चा भाई। तो यार मुझे दो आइस है, मतलब दो आइस तो सबके पास होती है, मेरे पास दो आइस है, आइस। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे हाथ से तोड़ो पहली, और ये दूसरी इन्फिनाइट वाटर सोर्स प्लीज। सैपलिंग्स, मुझे सैपलिंग्स चाहिए। ओके दो सैपलिंग्स, एक सैपलिंग दे दिया इसने, मुझे बहुत सारी सैपलिंग्स चाहिए, ठीक है। तू मुझे धोखा मत दे, उस कार्ड ब्लॉक की तरह गवाह है वो, उसने धोखा दिया था मुझे, मुझे क्रिएटिव में जाना पड़ा था, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मैं ब्लॉक मैन गो खेलूँ या फिर एग वॉर्स, बैड वॉर्स, क्या है जो भी आपको लगता है कि ठीक है भाई, हाँ खेल सकता है वो, अच्छा है, मुझे बताना, ठीक है। मैं यहाँ पे कैसे ये तोड़ दे रहूँगा, यस मुझे माइनिंग करने दो। माइनिंग ही हमारा लक्ष्य है। अबे रुक जा, मुझे यहाँ से वुड लेने दो, मुझे एक्स बनानी पड़ेगी, नहीं एक्स, वुड तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं। नाइस, देखा, देख रहे हो तुम, मुझे यहाँ पे इसे तोड़ना पड़ेगा, पर ये अभी पानी में हो तो टाइम लेगा टूटने में। यस लग गई प्लैंक, ओ ताली बजाओ मेरे लिए, ताली 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 तालियाँ। अब मैं यहाँ पे ऐसे माइनिंग कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे प्रेस कर लूँगा और मैं माइनिंग करते रहूँगा। माइनिंग करेंगे हम, माइनिंग, इतनी सारी माइनिंग हम करेंगे, बहुत सारी माइनिंग हम करेंगे, बहुत सारी माइनिंग। अबे ये बकेट्स, ये बकेट सेफ रखो भाई, ये बकेट बहुत ज़रूरी है, ये भी रख दो, बोन मिल भी रख दो, सात बोन मिले, ओए सात बोन मिलना तो उसमें से दो यूज़ कर ले। हाँ ओ वाओ नाइस यार, अब मुझे इसे तोड़ना नहीं है बस, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से सीड्स मिलेंगे। और मैं क्राफ्टिंग टेबल क्यों रख रहा हूँ, मैं पागल हूँ नहीं ना, ठीक है। तो स्टिक्स को रख दो, ये क्यों लेके घूम रहा हूँ मैं, कैसा गवार चेस्ट है, बंद करने में भी नहीं हो रहा है। ओके तो अब मैं माइनिंग करूँगा यहाँ पे, देखे आप, देखो फास्ट फॉरवर्ड में। ओके तो हमारे पास बहुत सारे सामान आ गए, अब हम इसे थोड़ा एक्सटेंडिंग कर देते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही बड़ा आइलैंड बनाना है, ठीक है। हम लोग को इसे इतना एक्सटेंड करना है कि एक्सटेंड करते करते ये इतना एक्सटेंड हो जाए ना कि सब कुछ भी छोटा लगने लगे इसके सामने। अभी मुझे स्लैब्स बनाने हैं, मुझे उस आइलैंड पर जाना है, बट अभी नहीं। और मैंने पहली बार ओशन देखा है, यस अभी मैंने कभी ओशन ही नहीं देखा था यार मिनी क्राफ्ट में, ना तो डायमंड्स या ओशन तो मैंने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं जब भी स्पॉन होता था ओशन से इतना दूर ना कि सोच भी नहीं सकते आप कि कितना दूर स्पॉन होता था मैं ओशन से, मतलब इतना दूर कि ओशन बोलता था भाई कहाँ चला गया तू, कहाँ स्पॉन कर दिया इन लोग ने तुझे, और ओशन वहाँ पे रोता था बेचारा इस तरह से जैसे ये रो रहा है, देखा इसी तरह रोता था हमारा ओशन बेचारा, वो बोलता था कहाँ चला गया तू, कहाँ चला गया संदीप, कहाँ चला गया। ओके नो प्रॉब्लम। अबे यार मैं पिकैक्स ले रहा था और मैंने यहाँ पे 9, यार मेरे पास अभी 40 थे ऑलमोस्ट, क्या तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, हाँ बता मुझको। यहाँ पे लगा देते हैं इसे थोड़ा सेफ कर देंगे हम ना, क्योंकि ओए मेरी लावा बुझ जाएगी पागल, बारिश में तो मेरी लावा चली जाएगी, कैसा बात। ओ यार अगर बारिश होने से घास उगती ना तो मुझे बोन मिल की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्या बारिश होने से घास उगती है, हाँ तो बताओ मुझको। सीड्स भाई कोई मुझे सीड्स दे देगा प्लीज़, कोई दे दो भाई सीड, हाँ एक सीड भी चलेगी, बट दो मिल जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, थैंक यू। देखो कितने अच्छे हैं ये, अब मैं इसमें से सीड्स ले लूँगा बहुत सारे, हैक के नहीं। और जो मेरी स्काई ब्लॉक है ना, आप बिलीव नहीं करोगे ऐसा वो आने वाला है, ठीक है, मतलब मैं बहुत दिन के बाद अपलोड करूँगा और बहुत ही तगड़ी प्रोग्रेस के साथ, ठीक है। होए वुडन होए, तो इस वुडन होए को हम कहाँ पे लगाऊँ मैं, यहाँ पे 2-3 लगा दो, पता नहीं पानी पहुँचेगी कि नहीं पर लगा दो, ठीक है कि नहीं, लगा दो पानी, पहुँचने दो हमें क्या, लगाओ जितनी भी होती है लगाओ, इतना एक्सटेंड कर देंगे कि हम एक्सटेंड करते जाएंगे, मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि बारिश हो रही है, और बारिश में तुमको पता है क्या हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है बारिश में, बारिश में बहुत सारे धुंधले पाना हो जाते हैं, इसलिए हमको कुछ दिखता नहीं, फॉग बोलते हैं उसे, है कि नहीं, फॉग, एक बची है सिर्फ, और यहाँ पे मुझे दो चाहिए आई थिंक,
अरे यार 3 चाहिए, व्हाट द हेल, क्या हो रहा है यहाँ पे? ओए मैंने इसे तोड़ा नहीं, व्हाट द हेल, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? मैं बात कर रहा था, इसे तोड़ा नहीं मैंने। सैपलिंग दे दे भाई, एक दे दे, तू एक देगा ना तो मैं तुझे तोड़ूंगा नहीं कभी, सच्ची में तोड़ूंगा नहीं तुझे अगर तू मुझे एक सैपलिंग देगा तो। इफ़ यू गिव मी वन सैपलिंग आई विल नॉट ब्रेक यू। लगता है उसे भी पता चल गया था मैं सैपलिंग दूँ या ना दूँ, पर ये मुझे तोड़ने वाला है इसलिए उसने, कोई बात नहीं। ओ ये बोन मील है ना हमारे पास, तो हम इससे बोन मील बना सकते हैं और अपने प्लांट को उगा दो भाई। यस यार, लगता है इसीलिए इन्होंने दिए मुझे बोन मील। बना भाई फटाफट फटाफट। ओके तो अब मुझे इसे तोड़ना है। 2 सीड्स, 5 सीड्स, 7 सीड्स, लिटरली यार मैं इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस कर ली, वाओ। इसे बोलते हैं प्रो, जो इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस करता है ना उसे प्रो बोलते हैं, पता नहीं है तुम्हें, हैं बताओ मुझको। अब यहाँ पे 7 सीड्स आ गए मेरे पास, लगाओ लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं इसे भी उगाऊंगा इस तरह से, इसे तोड़ूंगा है कि नहीं यहाँ पे। अरे यार मैंने इस पर जंप कर दिया, यहाँ पे लगाओ, हर जगह लगा दो। इतनी प्रोग्रेस मैंने आज तक नहीं की सच्ची में। तो यहाँ पे भी 2 लग गए। अब मुझे उग जा, 1 बची है, 1 का क्या करूँगा मैं, 1 2, और यहाँ पे भी 1। ओ यस, बहुत प्रोग्रेस। तो मैं 1 को उगा देता हूँ, जैसे कि ये उग भाई जल्दी जल्दी, इतनी प्रोग्रेस मैंने आज तक नहीं की, जल्दी कर, है कि नहीं। उगते रहो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये मूड चाहिए तो मुझे बता देना ठीक है, और देखते हैं आप इस पर कितना अच्छा सपोर्ट दिखाते हो, लेट्स सी। मैं भी आपको एक चैलेंज देता हूँ कि आप इस पर जितना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे माइनक्राफ्ट की सीरीज, जितना अच्छा सपोर्ट दिखाओगे माइनक्राफ्ट की सीरीज उतनी जल्दी आ सकती है कि नहीं। मुझे वहाँ पे जाना है यार, उस आइलैंड पे जल्दी से जल्दी जाना है। और अगर आपको ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी कभी भी एक ये कॉबलस्टोन जनरेटर बनाते वक्त, तो बता देना मुझे, क्योंकि आज मुझे जितनी प्रॉब्लम हुई है ना ये कॉबलस्टोन जनरेटर बनाने में, वैसे कभी भी नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊँ, और रात भी होने वाली है, अब मुझे मेरे सोने का टाइम हो गया, मैं बहुत थक गया हूँ ठीक है। ओके तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, जाओ जल्दी जल्दी। और बहुत अच्छा यार, अगर आपको कोई मूड चाहिए फिर स्काइप लॉक को तो मुझे बताना ठीक है। देखते हैं आप कितना अच्छा सपोर्ट देगा, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।